देखो मैं ये सब नहीं सिखलाने जा रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, जो इससे रिलेटेड जितना अच्छा अच्छा बात हो सकता है उतना अच्छा अच्छा बात सीखिएगा आप लोग ना। सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा क्वेश्चन को या कंसेप्ट को सीखने का अलग नजरिया बनाइए। बताइए तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, याद है ना, हर एक रजिस्टर को हम लोग सीरीज में ऐड कर रहे हैं, मतलब उसको एक ही पाथ ही दे रहे हैं हम लोग करंट प्रोवाइड करने का उसके पास ना। मैं मान लेता तो एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमने क्या कंसीडर करा बाबू, R1। यहाँ एक रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना, इसका रेजिस्टेंस कितना, R2। यहाँ एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना हमने कंसीडर करा है, R3। याद है ना, ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके अक्रॉस हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट करा, पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। ऐसे हो सकता है एक दो और ले लो, ऐसे कोई दिक्कत इससे नहीं होना चाहिए। चलिए स्विच भी दे दे रहे, आप बताइए जरा, अगर वी वोल्ट का अगर बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करा गया है क्या होता होगा। पहला एक बात तो याद रखिएगा, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, उसके अंदर चार्ज को क्या देता है, वो एनर्जी देता है कि इसके अंदर टहल तू, समझ आ रहा है ना, चार्ज को इसके अंदर टहलाता है, समझ आता है। अच्छा जैसे वी वोल्ट दोगे, याद करो यहां से यहां के बीच एक ही पाथ ना है जी, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे। चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर ना, मतलब करंट फ्लो किधर से किधर करा, इधर, अगर इधर से करंट आई चला होगा तो यहाँ भी करंट आई ही ना पहुंचा होगा जी, याद है ना। ऐसा मत समझना कि यहाँ रेजिस्टेंस है तो यहाँ के बाद करंट घटा होगा, यहाँ करंट घटा होगा, यहाँ घटते घटते घट गया होगा, करंट घट नहीं रहा है बेसिकली, करंट तो पूरा ही पहुंचेगा ना, लेकिन यहां से यहां जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बीच में रेजिस्ट कर रहा होगा रेजिस्टेंस। तो याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो, करंट जो रहा हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट रहा कि नहीं रहा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करा, बात समझ में आया। अब बताओ ये तो एनर्जी प्रोवाइड करा है, तो कौन सा रेजिस्टर के अक्रॉस कितना एनर्जी लगा उसके चार्ज को फ्लो कराने में, यहां से यहां चार्ज को पहुंचाने में कितना एनर्जी खपत हुआ, यहां से यहां चार्ज पहुंचाने में, यहां से यहां चार्ज पहुंचाने में कितना एनर्जी खपत हुआ, यहां से यहां चार्ज पहुंचाने में कितना एनर्जी खपत हुआ, वही ना पोटेंशियल ड्रॉप है जी। तो इसके अक्रॉस पहला रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमने कितना कंसिडर कर लिया, मान लेता हूं V1, कितना कंसिडर करा V1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना V2, याद रखना, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहा कंसिडर करा हमने V3 मान लिया, कोई प्रॉब्लम। R1, R2, R3 क्या है, जितने भी रेजिस्टर्स हैं उसका रेजिस्टेंस है, इसका R1 ओम, R2 ओम, इसका R3 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहा V1 का इसके अक्रॉस, V2 का इसके अक्रॉस, V3 का। तो इतना तो तय रहा ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट बटेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट बटेगा, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगा, सेम होगा, हर एक करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, सेम होगा, बात समझ में आता है। लेकिन किसका बंटवारा होगा, पोटेंशियल का बंटवारा होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन बंटवारा किसका होगा, पोटेंशियल ड्रॉप का ही होगा। सेम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस अगर आ रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा, तो दोनों के बराबर बराबर ना बटेगा जी, बात समझ में आता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला बात याद रखना, करंट अक्रॉस इच रेजिस्टर्स आर सेम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल टेक्स प्लेस, इज इट, ये हम लोग बात बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि अगर रेजिस्टर सेम रहा, रेजिस्टेंस तीनों सेम रहा, तो V/3 ना बटा होगा जी, बात समझ में। चलिए अब करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, बताइए अभी आप लोग को पढ़ाया गया है ना, यहां से यहां के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, IR1 होगा, बताइए करंट तो सेम फ्लो करा ना, यहां से यहां तक करंट जो फ्लो उसका कितना पोटेंशियल ड्रॉप, IR2, और यहां से यहां जो फ्लो करा कितना, IR3, अरे यही ना रहा होगा, कोई प्रॉब्लम। यहां से कितना करंट निकला है देख रहे हो, आई ही ना करंट निकला है जी, कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया आप लोगों को। अच्छा इसमें बताइए जरा पोटेंशियल ड्रॉप का बंटवारा कैसे हुआ, आई तो हमेशा सेम है ना जी, आई तो हर जगह सेम है ना, तो बताइए जी, अगर आई रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ,
आर का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा कि नहीं, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा तो ज्यादा यहां से यहां चार्ज, यहां से यहां चार्ज पहुंचाने में ज्यादा एनर्जी लेगा कि नहीं, यहां अगर रेजिस्टेंस कम रहा तो यहां से यहां चार्ज को पहुंचाने में कम एनर्जी लेगा कि नहीं लेगा, बात समझ रहे हो? तो इस बात को समझिएगा। अब बताइए जरा यहां पे अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, इक्विवेलेंट डायग्राम का मतलब क्या, हम लोग सारे रेजिस्टर्स को हटा दिए, उसके जगह एक रेजिस्टर लाए, सीरीज में है इसलिए मैं इसको आरएस बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, आरएस, कोई दिक्कत, इन तीनों रेजिस्टर को हटा दिया, उसके जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वही नहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है बाबू। अब इसकी इंड के क्रॉस हमने क्या किया है बताइए, यहाँ पे बैटरी तो वही, बैटरी तो वही है ना, बताओ ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, अभी भी बैटरी का एक जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, आई ही ना है, क्या है आई, अरे यही ना। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ आई की अगर बात करें तो आई किसके बराबर रहा बताइए, तो वी अपॉन आर एस रहा होगा कि नहीं बाबू, वी अपॉन आर एस, या फिर वी अगर लिखना हो तो वी किसके बराबर रहा होगा, तो पता तो चल ही रहा है वी किसके बराबर रहा होगा, अगर ऐसे गया होगा तो वी किसके बराबर रहा होगा, आई आर एस के बराबर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में किसका बंटवारा हुआ है पोटेंशियल का, ये भी ही ना बटा भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बताइए जरा बाबू, आप खुद बहुत तेज हैं आप लोग, अच्छे से पढ़ा हुआ भी है सब, भी इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री, अरे कोई प्रॉब्लम, बताइए भी किसके बराबर, गुड वेरी गुड, भी किसके बराबर है, I into what, RS, बताइए भी वन किसके बराबर है बाबू, आई आर वन प्लस भी किस, भी टू आई आर टू और भी थ्री आई आर थ्री, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहा वो RS, I कॉमन लोगे तो कैंसिल होगा ना, वो किसके बराबर रहा बाबू, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, बात समझ में आया, यही इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का मतलब, ऐसे चार पांच जो भी रहे यहाँ पे RS किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर, कोई प्रॉब्लम, इसमें कुछ सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ पॉइंट जो याद रखना, पहला बात क्या याद रखेंगे आप लोग, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, व्हाई इज इट सो, बिकॉज देयर इज अ सिंगल पाथ बिटवीन दिस टू टर्मिनल, बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, गॉट इट, एक सिंगल ही पाथ है ना, यहां से करंट आई चलेगा तो वहां भी तो आई ही पहुंचेगा, यहां भी तो आई ही पहुंचेगा ना, यहां पे भी कितना आई ही ना पहुंचेगा, The distribution of potential takes place. The distribution of potential takes place. Is that? अब बताओ potential का distribution तो हुआ, लेकिन कैसे बंटवारा हुआ? तो याद रखना, वो कैसे बंटवारा? V is directly proportional to R. V is directly proportional to R. जिसका जितना resistance, उसके across उतना ज्यादा voltage, मतलब voltage drop या potential drop. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, यहाँ 8 ओम रहा होगा, यहाँ 3 ओम रहा, किसके क्रॉस ज्यादा ड्रॉप होगा, 8 ओम के क्रॉस, क्योंकि ज्यादा कीचड़ है यहाँ के बीच, नाला बहुत ज्यादा है, नाला का विड्थ बहुत ज्यादा है, नाला का विड्थ कम है, ऐसे समझ सकते हो, तो अगर दो दो मान लेते हैं, अगर 200 मीटर नाला है और यहाँ पे 25 मीटर सॉरी बोल सकते हो 2 मीटर नाला है, यहाँ 200 मीटर नाला है, यहाँ 2 मीटर नाला है, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा, लेकिन पूरा ही ना पहुंचोगे, कि ज्यादा नाला में तुम्हारा पैर छूट गया पीछे ही, बाल निकल गया, कान एक गायब हो गया, उतना आधा पहुंचोगे, तो पहुंचोगे पूरा, लेकिन ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा थोड़ा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सेम करंट फ्लो, सेम करंट फ्लोज अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, कोई प्रॉब्लम बाबू, अरे समझ आया, ए पॉइंट आपने लिखा, बी लिखिए, इन दिस कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल टेक्स प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल टेक्स प्लेस, distribution of potential takes place.
फुल स्टॉप। द पोटेंशियल ड्रॉप, इसी में लिखना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस अ रजिस्टर, अक्रॉस अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, इज इट। देखो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, तो लिख लेना ऐसे। क्या लिखेंगे आप? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? इसमें नोट्स करके कुछ बात समझेंगे, जरा ध्यान देना ना। मैं मान लेता हूं पहला बात, जैसे अगर देख इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस क्या है R2, इसका रेजिस्टेंस क्या है बाबू R3। 12 के बच्चे लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा इसमें ना। ऐसे था, ये क्या है भी? अब हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन में किस क्या ध्यान देना है याद रखना। पूछ देगा R2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप था, कितना पोटेंशियल ड्रॉप रहा होगा, वो डायरेक्ट पूछ देगा। तो पढ़ाया तो क्या है, किसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है जी V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V2, हमने कंसीडर करा है ना, और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V3 बताया गया है। अब बताइए अभी आप लोग यही दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R1 R2 R3 दिया है, तो हम लोग को तो I पता है नहीं ना। अब पोटेंशियल ड्रॉप मान लेता हूं V1 पूछ दिया डायरेक्ट, V1 बताओ जरा, V1 बताओ जरा, V1 बताओ जरा। तो एक तरीका क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। तो करंट कितना हो जाएगा बताइए बाबू, वी बाय आर ही ना। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन आर वन आर टू आर थ्री ना होता है, तो क्या हो गया बाबू बताइए, वी अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होगा कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है, यही ना होगा। अब बताओ वी वन आपसे नहीं पूछ लिया, जब आई निकल गया तो वी वन तो पता चल ही ना जाएगा। अब वी वन किसके बराबर हो जाएगा बताइए जरा, V1 equals to what? I R1 होगा ना जी, I R1। तो बताइए I किसके बराबर है, देख रहे हो कि नहीं? तो ये क्या होगा, R1 upon R1 plus R2 plus R3 into क्या V3 हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, क्योंकि V1 किसके बराबर है, I R1 के बराबर ना, I तो निकाल लिए ना। V2 किसके बराबर है, I R2 के बराबर ना, और V3 किसके बराबर, I R3 के बराबर। अब बताइए V2 अगर कोई पूछता डायरेक्ट, तो V2 निकाल लोगे कि नहीं, ये क्या हो जाएगा बताइए, R2 अपॉन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू क्या हो जाएगा जी, V होगा कि नहीं होगा। V3 अगर कोई पूछेगा तो V3 बता दोगे सिमिलरली ना, क्या हो जाएगा, R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू क्या V। अरे कोई प्रॉब्लम है, तो V1 V2 V3 आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया, कोई दिक्कत, बहुत आसानी से निकल गया। अगर मान लेता हूं आप इस मेथड को नहीं चाह रहे तो मैथ्स अगर पढ़े होते तो उससे भी बात हो जाता है। अगर आप आई नहीं निकालते डायरेक्ट, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, वो तो हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। आपको जो समझाया कि पहले आई निकालिए और उसके बाद बनाइए, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं था, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते अगर मैथ्स पढ़े हुए हैं तो। बताइए समझाइए जरा, अगर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और नॉट। तो बताइए क्या पढ़े हैं आप लोग, V1 is to V2 is to V3 किसके बराबर रहा, R1 is to R2 is to R3 है कि नहीं, है ना, तो उसी रेशियो में ना बटेगा जी। तो डायरेक्ट V1 लिख सकते हैं कि नहीं, V1 लिखना है जी। तो V1 क्या है, ये R1 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 plus R2 plus R3 into V2 किसके बराबर हो जाएगा, V2, तो V2 को वही हिस्सा मिलेगा ना, R2 अपॉन क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 ही हिस्सा ना मिलेगा, इनटू V हो जाएगा। V3 क्या हो गया बताइए, R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको समझने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन दोनों तरीका एक ही चीज बतलाता है। बात नहीं समझ आया, अब केवल दो के लिए, तीन के लिए नहीं, किसी के लिए भी वैलिड, समझना रहा है। जैसे देखो एग्जांपल मान लेता हूं, ऐसे समझाने के लिए केवल ले रहा हूं। जैसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऐसा पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया ऐसे दे दिया,
ये मान लेता हूँ 8 ओम है, ये कितना है 5 ओम है, और ये जो है वो 7 ओम है, और बोल दिया है यहाँ पे मान लेता हूँ कि मान लेता हूँ ऐसे समझाने के लिए 60 वोल्ट। ठीक है, तो एक तो तरीका रहा कि आप करंट निकाल लीजिए, एक तरीका क्या बताया करंट निकालने के लिए, तो आई निकाल सकते हैं डायरेक्ट, करंट निकालने के लिए क्या रहा बताइए, 60 अपॉन 8 प्लस 5 प्लस 7 20, तो कितना हो गया जी 3 एम्पियर। ठीक ना, कोई दिक्कत। अब इसके अक्रॉस लिखना है तो V1 लिखना लोगे, इसके अक्रॉस V1 लिखना है जी, V1 क्या हो गया बताइए, IR1 8 हो गया कि नहीं, 8 इंटू 3 3 इंटू 8 तो 24 वोल्ट हुआ कि नहीं। इसके अक्रॉस अगर V2 लिखना है, क्या लिखना है V2 किसके बराबर, 3 इंटू 5 क्या हो गया जी बाबू 15 वोल्ट, और इसके अक्रॉस अगर V3 लिखना है तो लिख लोगे कि नहीं, क्या रहा बोलो 3 इंटू 7 कितना 21 वोल्ट। बैटरी भेजा 60 वोल्ट, ये कितना खपत कर लिया 20 वोल्ट, ये 24 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कंज्यूम हुआ, इसके अक्रॉस कितना 15 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितना 21 वोल्ट, यहाँ के 0 वोल्ट हो गया कि नहीं, बेचारा थक हार के 0 वोल्ट आया, देखना तो दिन भर निकला एकदम बहुत जैसे मेरे ही जैसे एग्जाम्पल ले लो, सुबह पूरा एनर्जी से निकलते हैं, अब कुछ एनर्जी यहाँ इस कोचिंग में खत्म होगा, कुछ इस में और कुछ किस में, अंत में थका हारा अंत में जाएगी नीचे, घर पे जाओ तो चिड़चिड़ाए रहोगे ना जी, IPL ही तो नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे आते तो 0 वोल्ट खत्म हो गया कि नहीं हो गया, तो यही हो रहा है। लेकिन आपको लगता हो कि ये भी मेथड तो सर इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान तो है कि करंट निकालना पड़ रहा है, लेकिन वहां दिमाग खराब हो जाएगा जब करंट डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत सारा दे देगा तो वहां किसके किसका पैर पकड़ोगे, इसका पैर पकड़ो। हालांकि मैं कहता हूँ दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक अल्टरनेट मेथड जो बताया हूँ याद है ना, अल्टरनेट मेथड वो क्या है, रेशियो बांट दीजिए, क्या कीजिएगा भी जो है वो क्या है, V1:V2:V3 किसके बराबर बताइए, 8:5:7 हो गया खत्म। अच्छा V1 लिखना है जी, देखिए 8 अपॉन 8 प्लस 5 प्लस 7 इंटू कितना V कितना 60, यही ना बताया गया है, तो 8 अपॉन कितना हो गया 20 हुआ जी, इंटू V कितना है 60, ये 24 वोल्ट नहीं आ गया, करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ रहा है मुझे, V2 लिखना है बताइए, V2 कितना हो गया बताइए, 5 अपॉन 8 प्लस 5 प्लस 7 इंटू क्या V, आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, 5 अपॉन 20 इंटू 60 इक्वल टू 15 होगा। V3 लिखना है, V3 आसानी से लिख लोगे ना, अरे बोलो ना मंगरा लोग, बोलो कितना होगा 7 अपॉन 8 प्लस 5 प्लस 7 इंटू D, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 20 इंटू कितना 60, कितना हो गया 21 वोल्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं, 60 वोल्ट था ही बेचारे के पास, 24 15 खत्म हो गया, तो वोल्ट पता चल गया, पोटेंशियल ड्रॉप निकालो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस ही नहीं। अब क्या करेगा, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ करके डायरेक्ट पूछ देगा कि इसके अक्रॉस बताइए 7 ओम के अक्रॉस बताइए, समझ में आ रहा है, 7 ओम के अक्रॉस डायरेक्ट पूछेगा तो बताना पड़ेगा ना, तो हो सकता है कि ऐसे ना देकर के कुछ दूसरा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा, यहाँ 10 ओम दे देगा, बोलेगा कि इसका 1/5 का बताइए, तो 10 ओम का 1/5 कितना हो गया, एक 2 ओम दूसरा 8 ओम, अरे ही ना होगा, तो 2 ओम का पूछा है तो सीरीज में ही ना रहा होगा, बात समझ में आया, कॉपी करो ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में किस पे गौर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल ना, सीरीज कॉम्बिनेशन किस पे गौर करना है, फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल ध्यान देना जा रहा ना, जैसे देखो समझिएगा अच्छे से, एक रेजिस्टर है ना बाबू, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, अच्छा इसका रेजिस्टेंस कितना है R2, इसका रेजिस्टेंस कितना है R3, ये किसमें अटैच दिख रहा है आपको, कनेक्टेड पैरेलल में ना, पैरेलल में कैसे दिख रहा है पता चल रहा है आप लोगों को, मान लेते हो ए और बी है, इसके अक्रॉस हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, इसका वोल्टेज कितना है V, ऑब्वियस है, अगर अब बताइए हायर पोटेंशियल पे अगर इसको 0 वोल्ट बोलोगे तो V वोल्ट होगा कि नहीं होगा,
बताइए यहां से चलो 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 चलो, ये वाला भी वोल्ट होगा कि नहीं, ये वाला भी जीरो वोल्ट होगा कि नहीं? अरे होगा बाबू लोग, ये बताओ भी वोल्ट, ए वाला भी वोल्ट होगा कि नहीं, और ए वाला जीरो वोल्ट होगा कि नहीं? ए वाला यहां से आओ, ए वाला भी वोल्ट होगा कि नहीं, ए वाला भी जीरो वोल्ट होगा कि नहीं, ये बोलो भी वोल्ट होगा कि नहीं, ये जीरो वोल्ट होगा कि नहीं? अरे होगा। मतलब तय रहा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स आर इज इट। एंड व्हाट अबाउट द करंट, यहां पे करंट आया, अगर यहां से चलेगा करंट भेजेगा ना जी, आई भेजा, यहां पे भी आ ही ना आया, यहां पे आके चक्कर खाएगा, गिरेगा कि नहीं, किधर जाए? अरे एक रास्ता है तो निकल लेता, लेकिन यहाँ पे इसको कितना रास्ता मिल रहा है, इधर जाए इधर जाए इधर जाए, किधर जाना चाह रहा है? तो तीनों तरफ जाएगा ना, तो मैं मान लेता हूं कि इधर गया आई वन, समझाने के लिए केवल, इधर कितना गया आई वन, इधर कितना आई टू, और इधर कितना आई थ्री, बात समझ रहे? यही ना गया, कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब बताइए, इसके अक्रॉस अगर करंट लिखते हैं तो क्या, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप लिखिएगा इसके अक्रॉस भी, तो क्या हो जाएगा? आई आर थ्री नहीं होगा जी, इसके अक्रॉस लिखिएगा अगर पोटेंशियल ड्रॉप तो आई आर थ्री लिखिएगा, इसके अक्रॉस आई आर टू, इसके सॉरी आई वन आर थ्री, आई थ्री आर थ्री, इसके अक्रॉस आई टू आर टू, और इसके अक्रॉस आई वन आर वन लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? रट नहीं ना रहे हो, सभी की चीजें, वेरी गुड, अच्छा बात है। अब बताइए पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम रहा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहा, सेम रहा, तो आप आई वन का वैल्यू तो आप आराम से यहां लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए आई वन का वैल्यू क्या हो गया, यहां से देख रहे हो, आई वन का वैल्यू अगर लिखना चाहें तो आई वन का वैल्यू क्या लिखिएगा बताइए, वी माइनस जीरो वी अपॉन आर वन, अभी ये सब लिखे हो कि नहीं तुम लोग, कोई दिक्कत? आई टू किसके बराबर हो जाएगा, वी माइनस जीरो वी अपॉन आर टू, कोई प्रॉब्लम? यहां बताओ I3 किसके बराबर, V माइनस जीरो बताइए, V अपॉन R3, दिखा हुआ लिखा हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? सब पढ़े हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा हुआ है, समझा हुआ है, समझा रहा हूँ, अरे समझा हुआ है ना, तो समझा रहा हूँ। अब बताओ इसका हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये तीन पैरेलल में है, उसके बजाय हम लोग चाहते हैं कि एक ही रजिस्टर आ जाए, तो ये आ गया ऐसे एक रजिस्टर, इसको पी से सबस्क्रिप्ट कर दे रहा हूं ना, तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब अभी भी इसके अक्रॉस जो है वो क्या है, बैटरी तो वही ना है जी, बैटरी क्या है, वही ना बैटरी है, वो बैटरी क्या है, भी सेल है, वही ना पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया हुआ है हम लोग। अब बताइए यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, आई ही करंट ना फ्लो कर रहा है, आई किसके बराबर होगा बताइए, वी अपॉन आर पी ना जी, वी अपॉन आर पी, कोई प्रॉब्लम? तो याद रखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करंट अक्रॉस इच रेजिस्टर्स आर सेम, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल टेक्स प्लेस, इज इट? बट व्हाट इज हियर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इच रेजिस्टर्स आर सेम बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस और नॉट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस, इज इट? आई ही ना बटा आई वन आई टू आई थ्री में जी, तो याद रखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स व्हाट हैपेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है करंट का, लेकिन कैसे हो रहा है, देख रहे हो, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और नॉट, जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अक्रॉस करंट सम कम जा रहा हो कि नहीं, जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अक्रॉस करंट कम, क्योंकि बाबू सबको एक ही इक्वली बांट दिया गया है, लो दस रुपया दस रुपया दस रुपया बांट दिया गया ना बराबर, अब किसी का खर्च है पांच समोसा खाने का, किसी का दो समोसा खाने का, किसी का तीन समोसा खाने का, बात समझ रहे हो? तो ऑब्वियस है क्या होगा, अगर किसी का पांच समोसा खाना है तो उसके क्रॉस क्या होगा बताइए, कम ही ना बचत हो पाएगा जी उसका, मतलब समझ रहे हो? अब बताओ आपसे खुद पूछा जाए आई वन ज्यादा आई टू ज्यादा आई थ्री ज्यादा, तो पता खुद खुद चलेगा आर थ्री ज्यादा तो आई थ्री क्या कम, कमी ना करंट उसके क्रॉस फ्लो करेगा जी, बात समझ में आया? तो जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है याद रखिएगा, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन बहरहाल यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब आई किसके बराबर, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, एम आई राइट?
आई किसके बराबर देखो, वी बाई आरपी है बाबू, और आई वन किसके बराबर है, वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री। तो क्या हो जाएगा बताइए, वन अपॉन आरपी जो होगा वो किसके बराबर हो गया, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो ना बाबू, समझ में आया, कोई दिक्कत है, टफ है बहुत ही। तो लिखिए नोट करके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पॉइंट ए, लिखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स आर सेम, आर सेम। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा बी, क्या रहा बाबू बताइए जरा, यस इन इन दिस कॉम्बिनेशन, इन दिस कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट, इन दिस कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट टेक्स प्लेस, फुल स्टॉप। करेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो करेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर या करेंट अक्रॉस अ रजिस्टर, करेंट अक्रॉस अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, करेंट अक्रॉस अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, इट्स रेजिस्टेंस मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बाबू इसमें, समझ आया, नोट करके ध्यान देना जरा। फर्स्ट पॉइंट मान लेता हूं फोर टू रेजिस्टर्स, किसमें बाबू, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही है ना, मान लेते कोई दो रेजिस्टर है बताइए, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस क्या है R2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया हूं वो भी है, तो बताइए आप आराम से निकाल लोगे ना, A और B के बीच अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप निकाल लीजिएगा ना RAB, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB याद करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो लिख सकते पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसलिए बताया जा रहा है कि इसको याद रखना है ना, दो का एटलीस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो RAB क्या होगा, तो बताइए पढ़ाया गया है ना, वन बाई आर जो RP होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू होगा कि नहीं, तो बताओ इसको अगर सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, आर वन आर टू और ऊपर आर वन प्लस आर टू नहीं होगा, अरे कोई दिक्कत। तो कभी भी अगर R इक्विवेलेंट दो रेजिस्टर्स अगर निकालना है R पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप उसको क्या करोगे, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। जैसे अगर मैं बोलूं 5 ओम और 3 ओम का बताइए कॉम्बिनेशन, दो रेजिस्टर है हमारे पास, एक 5 ओम का एक 3 ओम का, तो सीरीज में कितना 8, सीरीज में कितना 8, अब पैरेलल में कितना 5 * 3 / 5 + 3 तो कितना 15/8 याद रहेगा। बोले अगर कोई 6 और 3 को जो ऐड करो, 6 और 6 ओम और 3 ओम को सीरीज कॉम्बिनेशन में, 9 पैरेलल कॉम्बिनेशन में 6 * 3 / 6 + 3 तो 2 ओम, तो डायरेक्ट बोलने आना चाहिए, बात समझ में आता है। अच्छा ऐसे ही अगर कोई बोल दिया कि 8 ओम और 5 ओम का बताइए, तो सीरीज में 30 पैरेलल में 40/30 याद रहेगा, इसको याद रखिएगा, इसमें कोई शक, कोई प्रॉब्लम।